अगर हम देखें मस्कुलोकुटेनियस नर्व को, तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व बेसिकली जो फ्रंट पार्ट है आर्म का, वहाँ पर लोकेटेड होती है। और आज बेसिकली हम इसके जो सरफेस मार्किंग है उसको डिस्कस करेंगे मस्कुलोकुटेनियस नर्व की, और फिर उसके बाद हम इसकी कोर्स और रिलेशंस की बात करेंगे, और फिर देन लास्ट में हम इसकी जो मीडियल और लेटरल पोजिशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो इनिशियली अगर हम देखें कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन नर्व है हमारे आर्म की, और बेसिकली फ्रंट रीजन पे लोकेट होती है। और अगर इसको देखा जाए तो मेन सरफेस मार्किंग के हवाले से ये फॉलो करती है टू पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है बेसिकली, तो एक्सिलरी आर्टरी 3 सेंटीमीटर अबव इट्स टर्मिनेशन। ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्सिलरी आर्टरी जहाँ पे टर्मिनेट होती है उससे 3 सेंटीमीटर जो है अबव जो है ये बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व स्टार्ट होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट को अगर आप देखें, लेटरल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाय, तो ये बेसिकली बाइसेप ब्रेकाय का जो लेटरल टेंडन है इसके बिल्कुल करीब से बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे एल्बो बेंड होता है यहाँ पर इसकी लोकेशन जो है वो खत्म होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास रूट वैल्यू आ जाती है। रूट वैल्यू मीन्स कि बेसिकली कौन सी रूट्स हैं जो बेसिकली इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जहाँ से ये ब्रांच निकलती है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास C7 और C5 और C7 सेगमेंट है। तो ये रूट वैल्यू है बेसिकली इसकी कंसिडर की जाती है, C5 और C7 सेगमेंट्स। उसके बाद अगर देखें तो हम कोर्स और रिलेशन की अगर बात करें तो बेसिकली इट अकंपनी थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। बेसिकली ये एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है वो है। और अगर इसके मसल्स रिलेशन की हम बात करें तो अगर एंटीरियर तौर पर देखा जाए, मींस के जो फ्रंट साइड है उसको अगर देखा जाए तो वहां भी जो मसल जो कोरिलेट कर रहे हैं बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से उसको हम पेक्टोरलिस मेजर कहेंगे। और फिर अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास जो पोस्टीरियर साइड है, बैक साइड है जो बेसिकली बाजू शोल्डर की, वहां पे सबस्केपुलरिस मसल है। तो ये दो मसल बेसिकली इससे कोरिलेट कर रहे हैं। इंटीरियर साइड पे देखा जाए तो हमारे पास इंटीरियर साइड पे पेक्टोरलिस मेजर मसल आ रहा है, और अगर पोस्टीरियर साइड पे देखा जाए तो पोस्टीरियर साइड पे जो मसल बेसिकली आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सबस्केपुलरिस मसल। अब मसल्स कोरिलेशन के बाद फिर अगला जो पॉइंट हमारे पास आ जाता है दैट इज द मीडियल पॉइंट, यानी कि जो मीडियली जो पॉइंट है इसका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का उसको हम डिस्कस करेंगे। मीडियली अगर देखा जाए तो एक्सिलरी आर्टरी मींस ये जो एक्सिलरी आर्टरी और जो मीडियल नर्व है ये बेसिकली इसके क्या है, मीडियल पॉइंट है। और लेटरली अगर देखा जाए तो क्रोका ब्रैकियलिस जो है वो इसका क्या है, ये लैटरल एंड है। फिर उसके बाद अगर मेन चीज एक और यहाँ पे डिस्कस कर दी जाए कि बेसिकली एंड कहाँ पे होती है, इट एंड्स बाय पर्सिंग फिशिया 2 सेंटीमीटर अबव द बेंड ऑफ फोर आर्म, यानी कि बेसिकली जहां पर ये फोर आर्म जो है बेंड हो रहा है यहाँ पर ये बेसिकली क्या हो जाएगी, इसका एंड हो जाता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की एनाटॉमी डिस्कस की, इसकी सरफेस मार्किंग को हमने डिस्कस किया, इसके कोर्स और मसल्स रिलेशन को हमने डिस्कस कर लिया, और फिर इसकी मीडियल और लेटरल जो पोजीशन है उसको हमने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।